जब भी कोई खूबसूरत एक्ट्रेस सिंगल होती है, हर कोई यही वेट कर रहा होता है कि उसका अफेयर किससे होगा, उसका बॉयफ्रेंड कौन होगा, या फिर वो शादी कैसे इंसान से करेगी। यहाँ पर प्रिशा वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर किलर्स में आती हैं, जिन्हें लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरगुन को अपने होने वाले हस्बैंड में वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो चाहिए? आखिर किस तरह के लड़के को सरगुन करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में शामिल? वेल, अगर नहीं तो चलिए आपको बताए देते हैं कि आपकी प्यारी सरगुन अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में बात करते हुए नज़र आती हैं कि मुझे कैसा लड़का चाहिए। इस सवाल के जवाब में आप समझ लीजिए कि दिलजीत दोसांझ जैसा, जैसे वो ह्यूमरस हैं, फनी हैं, मुझे बिल्कुल वैसे ही चाहिए। मुझे फनी लड़के बहुत अच्छे लगते हैं और दिलजीत तो इतने क्यूट भी हैं, इसीलिए मुझे वो बहुत 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 पसंद हैं। वेल सरगुन, हम तो यही विश करेंगे कि आपके सपनों का राजकुमार जल्दी से आ जाए और दिलजीत दोसांझ जैसे ही कुछ इमेज लेकर के आपके सामने प्रकट हो जाए, ताकि आप उसे देखते ही गले लगा लें और शादी के लिए हाँ कर दें। लेकिन इसके अलावा सरगुन से जुड़ी कुछ खास बातें चलिए आपको बताते हैं। अगर बात की जाए सरगुन को लूथरा के निकनेम की, तो घर पर सब उन्हें प्यार से आशी बोलते हैं, और लेकिन सेट पर अहाना शारदा मिश्रा रुद्र सब लोग उसे सुंदरी बुलाते हैं। यहाँ पर प्रिशा के टैटूज की अगर बात की जाए, तो रिसेंटली प्रिशा ने अपनी रिस्ट पर एक टैटू करवाया है अपने पेट का, जिसमें उनकी शक्ल बनवाई है, और यहाँ पर कहती है आपकी प्यारी प्रिशा कि मेरे कोई फेवरेट डेस्टिनेशन नहीं है, मैं दुनिया भर में जितनी भी अतरंगी जगह हैं वहाँ घूमना चाहती हूँ। मुझे मस्ती करना और मुझे चुलबुले पने से रहना बहुत पसंद है, इसलिए मेरी कोई फेवरेट डेस्टिनेशन नहीं है, मुझे जहाँ ले जाओगे मैं वहाँ खुशी से घूम लूँगी। तो देखा आपने कि प्रिशा के बारे में ये कुछ खास बातें जो उनकी पर्सनैलिटी को सबकी पर्सनैलिटी से बनाती हैं थोड़ा सा डिफरेंट। आपको कैसी लगी अपडेट कॉमेंट ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।